राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर का गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में आगमन हुआ। सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य का उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की जो मूल समस्याएं हैं वो आज हमें देखने को मिली। मैंने देखा कि बस्ती में बिना सेफ्टी किट के सफाई कर्मी अपना कार्य कर रहे थे, जो कानूनन अपराध है। सफाई व्यवस्था गोरखपुर में अभी दुरुस्त नहीं है, जगह जगह कूड़ा है। कूड़े के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी और लोगों को जागरूक भी करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने कहा, गोरखपुर के हैं लेकिन समय लोग समय नहीं पाए कि आप आ जाए भाई, चाहते थे कि सबके साथ बस्ती जी माननीय मुख्यमंत्री ये कले देखिए माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है, मंत्री से वार्ता हो गई है। क्या मांग है? ये हम लोग ग्रामीण सफाई कर्मचारी से हम लोग प्रधान के माध्यम से फिर उड़ाता है और जान ही रही है क्या हो रहा है। वो तो चल रहा है लेकिन होना चाहिए प्रोसेस, दो हमारा पूरा हो गया और हमारा पुरानी पेंशन भी चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है, घर जाने के बाद रिटायर होने को नहीं मिला। जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारा नहीं है, उनका नहीं है, तो ये हो जाता तो सबका एक साथ मिल जाता तो ये आरोप नहीं लगता, तर्क विशेष नहीं रहता, बड़े विशेष की बात नहीं होती। क्योंकि हम कर्मचारी नेता हैं तो हम समाज प्रचलन कम करिए, प्रचलन कम है। आप पहली बार हम लोग मुलाकात हो रहे हैं ना, इसके बाद हम लोग एक गुलाब का फूल देंगे। हम चाहते हैं कि गुलाब बस ठीक धन्यवाद ठीक। मैं मंजू दिलेर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य हूँ। आज यहाँ नगर निगम और नगर पालिका जनपद गोरखपुर के सभी नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ बैठक करने और उनके अधिकारियों के साथ बैठक करने मैं आज गोरखपुर आई हूँ। कल रात को मैं यहाँ आ गई थी, काफ़ी प्रतिनिधि कर्मचारियों के मिले आकर यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं सफाई कर्मचारियों के लिए जो हमको देखने को भी मिली। अभी मैं एक बस्ती का विजिट करके आ रही हूँ, अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग नहीं हुई है, एक बस्ती का विजिट करके आ रही हूँ। उस बस्ती में जो मैंने देखा कि वहाँ सफाई कराया जा रहा था लेकिन सफाई का काम विदाउट सेफ्टी किट कराया जा रहा था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार कानूनन अपराध भी है। ग्लव्स, मास्क और बूट और वर्दी के बिना हमको सफाई कार्य नहीं कराना है, जो कि यहाँ खुले में करा, मेरा जानकारी होने के बाद भी अवेयरनेस नहीं थी। मैंने भी फोटो खिंचाया, मैंने कहा देखो नंगे हाथों से महिलाएं काम कर रही हैं, कूड़ा जो भर रहा है, जो ठेली में कूड़ा डाल रहा है वो भी विदाउट ग्लव्स कर रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। विदाउट सेफ्टी किट, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि विदाउट सेफ्टी किट हम किसी से काम नहीं कराएंगे। एक तो ये, दूसरा मैं गौरक्षक मंदिर भी गई और रसापुर बस्ती भी गई, लगभग आधे शहर में जाना रहा। मुझे जो देखने को मिला कि सफाई व्यवस्था अभी हमारे गोरखपुर में दुरुस्त नहीं है, जगह जगह कूड़ा है, या तो उसकी टीम तैयार नहीं है कि हमको कैसे सफाई व्यवस्था करानी है। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो जो कर्मचारी पूरा उसको करता है, उसको मुझे लगता है कि उसकी समस्याओं का समाधान भी तुरंत होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी आपके सामने भी लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया, वो प्रदेश स्तर की समस्या, उसको हम प्रदेश में रखेंगे, लेकिन यहाँ की जो मेन समस्या मुझे देखने को मिली वो कूड़ा है। जगह जगह कूड़ा कलेक्ट है, कूड़े के लिए हमको सही व्यवस्था करनी होगी, चाहे हम डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था करें या हमको अच्छे डस्टबिन्स रखवाएं, और लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। मेरे यहाँ के स्वास्थ्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा मैडम दो घंटे हमने सफाई करके जाते हैं उसके तुरंत बाद कूड़ा हो जाता है, तो हमने कहा कि स्लोगन्स लिखिए, जहाँ लोग कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, डाल रहे हैं घरों के बाहर, वहाँ स्लोगन्स लिखिए, डस्टबिन रखवाइए, डस्टबिन की संख्या बढ़वाइए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसको पूरा करना है।
तो हमको पहले अपने शहर की, अपने घर की सफाई करनी होगी, तभी हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैडम, सफाई के लिए नगर निगम काफ़ी प्रयास करता है और काफ़ी धन भी इसके लिए आता है। अभी जल्द ही 60 गाड़ियों का उद्घाटन हुआ है कूड़े उठाने के लिए, उसके बाद भी इस तरह की जो सुविधाएं मिल रही है। ठीक है कि धन भी खर्च हो रहा है, गाड़ियां भी 60 आ गई हैं, लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए ना, व्यवस्थाएं उनको टीम के साथ। हमको जैसे कूड़ा एक बार उठकर चला गया, मैं आज अपना सजेशन दूंगी, अपना निर्देश दूंगी, एक बार मॉर्निंग में उठ गया, उसके बाद हमारा एक गाड़ी घूमता रहे कि कोई डाल रहा है तो उसको वापस डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं अपने जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कोई बड़ी जगह ऐसी हैं, बड़ी बस्तियां हैं, तो एक कैमरा ऐसा निर्धारित किया जाए, जो लोग डालते हैं, जहां कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं रोड पे, वहां लिखा जाए कि कूड़ा डालता हुआ पकड़ा गया तो इतना जुर्माना होगा। कुछ इस तरीके का हमको करना जरूर पड़ेगा, तभी हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे।